मेघा, 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 calm down, calm down मेघा, कहाँ हो तुम? मेघा कहाँ हो तुम? Are you okay? तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने कभी नहीं देखा। जिस स्कैंडल को हम लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तुमने उसे पब्लिक न्यूज़ बना दिया। तो मैं क्या कर सकता था? मैं जानबूझकर किसी को मरने के लिए छोड़ देता? हाँ, यही कहना चाहते आप? हाँ, तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था बजाय हीरो बनने के। अब मैं कैसे सीनियर्स को जवाब दूंगा? मिस्टर राव, मेरे ख्याल से हम किसी की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई उसे मारना चाहता है। नाउ इज दैट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? देखो आकाश, मिसेस दीवान की सनकीपन की वजह से इतने बड़े घर में किसी भी नौकर का रात को घर में रहना अलाउड नहीं है। कोई चोर भी तो आ सकता है। मिस्टर राव, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये वही आदमी है जो हॉस्पिटल में आया था। तुमने उसकी शक्ल देखी? नहीं, क्योंकि मिसेस दीवान गोली चला रही थी और कन्फ्यूजन में तुम्हें लगा कि तुमने उसे देखा। क्या तुमने उसे देखा या तुम सोच कर आए थे? यू कुड बी रॉन्ग। सारे प्रेस वाले बाहर खड़े हैं एंड वी कैन नॉट कंट्रोल देम। तुम्हारी वजह से सारे प्रेस वाले बाहर खड़े हैं। आज के बाद तुम ये केस हैंडल नहीं करोगे। देखिए मिस्टर राव, क्या ये सच है कि मिसेस दीवान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ? देखिए सब लोग शांत हो जाइए। ये सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ है और किसी ने यूं ही मजाक में फोन कर दिया था। क्या ये समझ लिया भाई साहब? प्लीज झूठ बोल रहे हैं सब। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। सब के सब मिले हुए हैं। ये मेरा घर है। गेट आउट ऑफ माय हाउस। गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। दिस इज दीवान। आकाश, प्लीज प्लीज तुम यहां से मत जाओ। प्लीज आकाश, मैं चलता हूं। आकाश प्लीज मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। पुलिस वाले इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, आसपास ही रहेंगे। आप बहुत सेफ है मिसेस दीवान। ये बार बार तुम मुझे मिसेस दीवान क्यों कह रहे हो? क्या ये झूठ है?
सच तुम जानना नहीं चाहते? हाँ, मैं जानना चाहता हूं। उस वक्त मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मुझे जीना था मां के लिए। बुरे वक्त में भी कहीं कुछ अच्छा छिपा होता है। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है। माँ की हालत खराब होने के कारण मुझे कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ा। मुझे सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे बेटे को संभाल सके। यही है मेरा बेटा। ड्रग्स ना मिलने पर यह मार भी सकता है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसमें आप ही की भलाई है। पानी पी लीजिए। चंद्रा मुझसे नफरत करता था, वो चाहता था मैं चली जाऊं, पर दीवान साहब ने कुछ और ही तय कर रखा था मेरे लिए। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी बहू बन जाओ। तुम्हारे आने के बाद चंद्रा संभल गया है और मैं जानता हूं कि वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कैंसर है मुझे। मेरे पास और कोई रास्ता था भी तो नहीं। मैंने सुना है तुम्हारी शादी मुझसे करवाई जा रही है। पता है ना शादी के बाद क्या होगा? भाग जा, मर जाएगी। अभी बता रहा हूँ, बाद में मत कहना। मैंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था और उसी किस्मत ने धोखा किया मेरे साथ। I'm sorry बेटा, मैंने तुझे एक नर्क से निकाल कर दूसरे में डाल दिया, लेकिन तू घबरा मत, मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। ये विल कहती है कि मेरे जाने के बाद चंद्रा ने तुझे डाइवोर्स देने की कोशिश की या तुझे कुछ भी हुआ अननेचुरली, तो मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी और चंद्रा को कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी कीमत कभी नहीं देगा। पापा, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। पापा, बहुत अकेली हो जाऊंगी। काश मैं रुक पाता। बैठिए, बैठिए। मुझे मालूम था आप यहीं मिलेंगे डॉक्टर मेहता। कितना कुछ हो गया ना मेरे पीछे। I'm sorry, वो मैंने ही डॉक्टर मेहता को रुकने के लिए कहा था। Why you are sorry? I'm sorry. मैं नहीं था जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरी जान। एक्चुअली मुझको सोचना चाहिए था, जिस घर में रात को नौकर नहीं रुक सकते हैं उस घर में चोर तो घुस ही सकते हैं ना। डोंट वरी, डोंट यू वरी माय स्वीटहार्ट।
माय बेबी। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ अगर मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब हैं, तो आप इस बात को मेरी तरह छिपाना चाहेंगे कि दीवारों पर लिख देंगे, पेपर से छाप देंगे? यानी आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी वाइफ मेंटली इल है? ये पागल है तो आप भी पागल है। इडियट, यू पीपल थ्राइव ऑन कॉन्ट्रोवर्सीज। ऐसी कोई बात नहीं है, जो थोड़ी बहुत परेशानी थी वो डॉक्टर मेहता हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर मेहता आपके दोस्त हैं या मिसेस दीवान के दोस्त हैं? डॉक्टर साहब, आप तो स्टार इंस पार्टी के, सारे जर्नलिस्ट आपके बारे में जानना चाहते हैं। बाय द वे, आपने मेडिसिन कहाँ पढ़ा? अमेरिका, इंग्लैंड? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे? रिबेका हैरिसन। व्हिच ईयर? 1999। ओके, तो आप तो फिर हमारी बीवी के पुराने दोस्त हैं। चंद्रा, ये रीना है, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। हेलो। हाय। ये आपकी क्लास में पढ़ती थी या फिर कॉलेज में पढ़ते थे? कमाल है, यहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सिर्फ मैं ही अजनबी हूँ। कमाल है, हमें किसी ने बताया भी नहीं। एनीवे, तो डॉक्टर मेहता एक बात बताइए, आप हमारी बीवी के पुराने आशिक तो नहीं? मेगा पे कॉलेज में बहुत सारे लोग पागल रहे होंगे, आप भी तो उनमें से एक नहीं? मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। हेलो। हाँ मिस दीवान, ठीक है मैं आ जाऊंगा। मुझे एक लंबे अरसे के लिए गल्फ जाना पड़ेगा, काफी दिन लग जाएंगे। मेघा को मैं अकेले नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ चलें। मेरे यहाँ पर बहुत पेशेंट्स हैं। कम ऑन डॉक्टर, मेघा भी तुम्हारी पेशेंट है, तुम्हारे जाने से उसको काफ़ी सहारा मिलेगा। बहुत सालों बाद हम लोग एक साथ बाहर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? खुश, हैप्पी? इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे भी आपको इतना सारा काम होगा, और एनीवेज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एनीवे, तुम्हारी सरप्राइज है। क्या? लुक। हाय। अब मैं अगर बिजी भी रहा तुम कम से कम बोर तो नहीं होगी ना? डॉक्टर मेहता आपके लिए भी छोटा सरप्राइज है, लुक। मुझे लगा डॉक्टर मेहता अकेले ना पड़ जाए, मेरे पास तो तुम हो, इनके पास भी कोई होना चाहिए ना, ठीक किया ना मैंने?